दिस इज हर्षित और आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर आपके जो होते हैं और लैपटॉप आपके जो होते हैं समय के साथ काफ़ी स्लो हो जाते हैं और उन्हें कैसे फिक्स किया जाए यार ये सब रीजंस मैं बताऊंगा और आपको फिक्सेस भी बताऊंगा, तीन तरह की फिक्सेस मैं जानता हूँ वो सब आपसे के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अगर बात करूँ मैं दोस्तों यहाँ पे रीजंस की तो रीजंस काफ़ी सारे हैं, मगर आपको भी काफ़ी सारे रीजंस पता ही होंगे मुझे लगता है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगा जो आपको नहीं भी पता होंगे। तो आपको ये सब तो पता ही होगा कि विंडोज़ को हम लोग को रीस्टार्ट करना पड़ता है कुछ दिनों के बाद, मान लो आप नहीं रीस्टार्ट किए तो कुछ दिनों बाद रीस्टार्ट करना ज़रूरी होता है, ये सब जानते हैं आप, वायरस से प्रोटेक्शन ये सब तो आप जानते ही हैं। मगर दोस्तों क्या आप जानते हैं दोस्तों कि जो टेम्प्रेरी फाइल्स होती हैं जो आपके कंप्यूटर में स्टोर होती हैं वो आपके कंप्यूटर को स्लो बनाती रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको कंप्यूटर में टेम्प्रेरी फाइल्स को डिलीट करना पड़ता है, तो मैं आगे चल के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे डिलीट करते हैं। फिलहाल आप जानिए दोस्तों कि टेम्प्रेरी फाइल्स को भी आपको डिलीट करना ज़रूरी है। और दोस्तों बात करूँ मैं आपके हार्ड डिस्क स्लो होने के, दोस्तों ये एक रीजन बन जाता है जब आप हार्ड डिस्क अपना खरीदते हो नया, जब अपना लैपटॉप आप मान लो खरीदे, कंप्यूटर नया खरीदे, तो क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पे हार्ड डिस्क में कुछ नहीं होता है तो बहुत ही तेज़ी से वर्क करता है, उसके बाद धीमे धीमे समय के साथ हार्ड डिस्क स्लो होती जाती है और वो एक रीज़न बन सकता है। तो आप चाहे तो अपग्रेड कर सकते हैं अपने हार्ड डिस्क को SSD में, या फिर आपके कुछ फिक्सेस जो मैं बताने वाला हूँ वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। सो टेम्प्रेरी फाइल्स को डिलीट करने का पहला प्रोसेस चलते हैं, तो दोस्तों देखते हैं कि टेम्प्रेरी फाइल आप कैसे डिलीट कर सकते हो। सो दोस्तों टेम्प फाइल को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको रन करना होगा, तो विंडोज़ प्लस आर दबाएंगे तो आपको रन आ जाएगा और इसमें आपको लिखना है %temp%, ये आपको शॉर्टकट मिलेगा, यहाँ पे आप ओके करोगे तो आपको यहाँ पे टेम्प्रेरी फाइल्स का फोल्डर खुल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ढेर सारी फाइल आपको मिलेगी जो कि ये टेम्प्रेरी है। मैं आपको बता दूँ कि ये आपको डिलीट करना है तो आपको सिंपली Ctrl+A दबाना है जिससे आपको पूरा सिलेक्शन मिल जाएगा। और जैसा कि देख सकते हो 77 आइटम्स यहाँ पे सिलेक्टेड है और आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है या फिर आप राइट क्लिक करके डिलीट पर जा सकते हो या फिर सिर्फ डिलीट दबा सकते हो, उससे आपका ये फाइल डिलीट हो जाएगा। सो जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों हमने टेम्प्रेरी फाइल्स के फोल्डर को पूरा डिलीट कर दिया है। दोस्तों आपको फिर से Windows+R दबाना है जिसमें आपको रन में जाना है, उसके बाद आपको लिखना है उसमें prefetch, क्योंकि दोस्तों आपको prefetch को भी डिलीट करना है। सो दोस्तों आपको prefetch लिखना है PREFETCH और ओके दबाना है, तो यहाँ पे prefetch का भी एक फोल्डर खुल जाएगा जहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन चाहिए होगा, तो आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको Ctrl+A दबाना है दोस्तों और यहाँ पे आप डिलीट राइट क्लिक करो और यहाँ पे डिलीट कर दो। कुछ आइटम्स आपको दोस्तों बच जाएंगे तो आप उन्हें स्किप कर सकते हो और बाकी की फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी। तो ये था दोस्तों पहला स्टेप जिसे आप टेम्प फाइल और प्रीफेच फाइल डिलीट कर सकते हो। दोस्तों जो दूसरा फिक्स आता है दोस्तों वो है दोस्तों कि आप जो मल्टी स्टार्टअप्स जो भी ऐप्स हैं उनको आप बंद कर दो, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे आपके फोन आपके लैपटॉप में आपके कंप्यूटर में ऐसे ऐसे ऐप्स होते हैं जो कि फालतू का रन करते हैं, जब आप स्टार्ट करते हो ना अपना कंप्यूटर तो फालतू का वो रन करते रहते हैं बैकग्राउंड में और बहुत ही ज़्यादा रैम वैम खाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कोई डेवलपर्स बेवकूफ़ रहा ना तो वो क्या करता है रैम मैनेजमेंट सही से करता नहीं और आपका रैम कोई ऐप छोटा सा भी ऐप होगा बहुत ज़्यादा रैम आपका खाएगा और रैम को रिलीज़ नहीं करता है तो वो सारी रैम बेकार चली जाती है। इस वजह से ध्यान देना चाहिए कि जब आप कंप्यूटर में स्टार्ट करते हो ना तो देखना चाहिए कहीं स्टार्टअप आपका ऑन है कि नहीं, तो ये देख लेना दोस्तों कि स्टार्टअप्स जितने भी ऐप्स हैं बकवास तरीके के उनको कैसे बंद करते हैं। दोस्तों कुछ स्टार्टअप ऐप्स को आप कैसे डिसेबल कर सकते हो उसके लिए जाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, Ctrl+Shift+ESC दबाना है तो आपका यहाँ पे टास्क मैनेजर खुलेगा या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हो टास्क बार पे और यहाँ से आप टास्क मैनेजर खोल सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे आपको स्टार्टअप्स, तो यहाँ पे स्टार्टअप्स में जाना है तो आप जैसा कि देख सकते हो मैंने काफ़ी सारे ऐप्स को डिसेबल किया हुआ है जो कि मेरे काम के नहीं है। फिलहाल मैं आपको बता दूं यहाँ पे दोस्तों आपको अलग अलग जैसा कि आप देख सकते हो ये सब चीज़ को आप डिसेबल कर सकते हो, जैसे मेरे कोई काम का नहीं Adobe क्रिएटिव क्लाउड, तो आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे मैंने Adobe क्रिएटिव क्लाउड को डिसेबल रखा है और यहाँ पे डिस्कॉर्ड को भी मैंने डिसेबल रखा है। तो आप ऐसे ही अपने ऐप्स को जो कि आपको यूज़ नहीं करने हैं जब भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो आप यहाँ पे इसे डिसेबल कर सकते हो। डिसेबल करने के लिए दोस्तों सिर्फ आपको क्लिक करना है इस पर और यहाँ पे देखो आप डिसेबल का बटन आ रहा है तो यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हो। तीसरा दोस्तों ऑप्शन है जो आता है जो आप फिक्स कर सकते हो वो है दोस्तों डिस्क क्लीनअप। अब दोस्तों डिस्क क्लीनअप कैसे करोगे, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आप डिस्क क्लीनअप इस तरीके से कर सकते हो। दोस्तों डिस्क क्लीनअप के लिए आपको सबसे पहले फाइल एक्सप्लोरर अपना खोल लेना होगा, Windows+E दबाते आपका फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा और यहाँ पे आपको जाना है दोस्तों दिस PC में और आपको Windows C जो भी आपकी ड्राइव है मेन वाली उस पर आपको राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज पे जाना है। प्रॉपर्टीज पे जाते ही आप देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों डिस्क क्लीनअप नाम का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करेगा, उसके बाद आपको एक फोल्डर दिखेगा जो कि आपको डिलीट करने का ऑप्शन मिल जाता है।
सो जैसा कि देख सकते हो हमारे यहाँ पे एक पॉपअप डायलॉग बॉक्स खुल चुका है जो कि आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन बता रहा है कि क्या क्या आपको डिलीट करना है क्या क्या नहीं करना है। तो आप देख सकते हो ये सब फाइल आपको जो भी डिलीट करनी है वो डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे इनबिल्ट यहाँ पे सेलेक्टेड आता है, आप चाहो तो इस पर क्लिक करके ओके दबा दो और ये डिलीट फाइल कर सकते हो। सो यहाँ पे आपका डिस्क क्लीनअप हो गया दोस्तों। और जो दोस्तों सबसे लास्ट ऑप्शन आता है ना वो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आपको पता भी होगा जो कि है दोस्तों डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। और दोस्तों आपको ये पता भी होगा क्योंकि यार दोस्तों डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। और दोस्तों ये मैं बोलूँगा हर महीने आपको या फिर दो महीने पर कर देना चाहिए। दोस्तों डिस्क डिफ्रेगमेंट और ऑप्टिमाइज डिवाइस को खोजने के लिए आपको सिंपली सर्च करना है और लिखना है डिफ्रेगमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफ फ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव का ऑप्शन आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपको दो ड्राइव दिखा रहे हैं, मेरे यहाँ पे दो ड्राइव हैं, लेकिन दोस्तों आपके जो भी ड्राइव है जैसे कि मेन मेरा विंडोज सी ड्राइव है तो मैं यहाँ पे करके आपको ये ड्राइव को डिफ्रैगमेंट कर सकता हूँ। मैं सलाह दूंगा दोस्तों कि आप कम से कम दो तीन महीने में कर दिया करो डिफ्रैगमेंट, दो तीन चार महीने में जैसा कि आपका यूजेस हो, जो अब आप ज़्यादा भरते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। सो यही से कुछ रीजंस दोस्तों जिसको मैंने आपको बता दिया कि आपके कंप्यूटर कैसे स्लो हो रहा है। फिलहाल आप इन सबको ये फिक्सेस को यूज़ करके आप जरूर से कमेंट करना कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। दोस्तों मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, मैंने भी यूटिलाइज किया तब आपको मैं बता रहा हूँ। तो मैंने करीब करीब ये 5 दिन पहले ये सब काम किया था और आज कंप्यूटर मेरा बहुत ही अच्छा चल रहा है जो कि प्रीवियस 5 दिन था उससे। दोस्तों ये सब तरीके हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपको परमानेंटली फिक्स करना है थोड़ा सा पैसा आपको लगाना पड़ सकता है। आपने हार्ड डिस्क को SSD में आप अपग्रेड कर सकते हो, उससे क्या होगा कि आपकी बहुत ही ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी, मानिएगा मेरी बात, क्योंकि आपका CPU जो है ना वो ज़्यादा यूज नहीं होता है और मेरा भी लैपटॉप जो है उसमें भी डिस्क भरा रहता है, CPU यूज ज़्यादा नहीं रहता है। सो गाइस दिस इज अस साइनिंग ऑफ, टेकिंग दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप जरूर से बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अपने इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज अस साइनिंग ऑफ, टेकिंग दोस्तों, टेक केयर एंड गुड बाय, बी राइट देयर, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। दोस्तों टेक केयर एंड goodbye. अरे तुम्हें ये नहीं लगा कि ज़्यादा तेज़ नहीं लास्ट में